नमस्कार, खबरें जरा हटके में एक बार फिर से आपका स्वागत है और देखते हैं कि शहजादी की शादी कैसे हुई नौकर के बेटे से। मलेशिया में सोने के जहाज में उड़ने वाले सुल्तान की बेटी ने फूलों की दुकान में नौकर के बेटे से शादी की है। यह एक ऐसी राजकुमारी की सच्ची कहानी है जिसने एक आम आदमी से शादी की। मलेशिया के जोहोर सिटी की राजकुमारी तुंकुतुन अमीना मेमुना इस्कंदरिया ने डच मूल के टेनिस मोहम्मद अब्दुल्ला से शादी कर ली है। खास बात यह है कि सुल्तान का यह दामाद एक प्रॉपर्टी डेवलपमेंट फर्म में काम करता है। राजकुमारी और डेनिस की मुलाकात मलेशिया के कैफे में करीब 3 साल पहले हुई थी। इसके बाद डेनिस ने इस्लाम स्वीकार कर लिया। इस शादी को दोनों परिवारों का समर्थन और आशीर्वाद हासिल हुआ है। परिवारों ने सभी परंपरागत रस्मों के अनुसार दोनों का विवाह करवाया और जोहर के मुस्लिमों की सदियों पुरानी परंपरा के मुताबिक सुल्तान ने अपनी बेटी को 22.50 रिंगिट यानी करीब 300 रुपए की मेहर की रकम की मांग भी की। डेनिस के पिता एक फूल की दुकान में और माँ कपड़ों की दुकान में काम करती है, जबकि जोहर के सुल्तान सबसे ताकतवर सुल्तानों में से एक होने के साथ ही वहाँ की आर्मी के कर्नल इन चीफ भी है। उनके पास लगभग 102 अरब रुपए की दौलत है और सुल्तान की अपनी खुद की आर्मी है और जोहर मलेशिया का एक ऐसा अकेला राज्य है जिसके पास प्राइवेट आर्मी है। एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के मालिक सुल्तान इब्राहिम के पास करीब 641 करोड़ रुपए का एक गोल्ड प्लेटेड प्लेन और एक आलीशान 3 मंजिला मेंशन भी है।